ओके, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन X440 के बारे में। इट्स अ लवली क्रूजर मशीन, काफ़ी टॉर्की है, पावरफुल है, सेटिंग पोजीशन इज़ गुड, टॉप स्पीड अच्छा है, इंजन रिफाइनमेंट एंड द हैंडलिंग इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट पार्ट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो यस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सारे एस्पेक्ट के बारे में, इसका स्पेसिफिकेशंस को जानेंगे, इसको चलाएंगे ऑन रोड एंड देन इसका रिव्यू करते हैं, बताते हैं कि किस तरह के कस्टमर्स को या किस तरह के राइडर्स को ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो ये है हार्ले डेविडसन 440X एंड सामने की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, दिस इज द हेडलाइट, यहाँ पे आपको देखो DRL में हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है, तो डिटेलिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। LED आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं नीचे की तरफ, LED हेडलैम्प ऊपर की तरफ मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, USD फोक दिया गया है विथ रिफ्लेक्टर, 18 इंचेस के अलॉय आपको मिलते हैं, 190 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय रिम्स है, तो इसमें पंक्चर वगैरह होने का कोई डर नहीं है। सो यहाँ पे आपको दिया गया सामने 320mm का डिस्क विथ ABS और बाइब्रेक ब्रेक्स इन्होंने यूज़ किए हैं। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन इज़ वेरी रिफाइंड एंड इट हैव गॉट 440cc इंजन, जिसमें आपको 27 BHP मिलता है, 38 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है, टॉर्क इज़ वेरी रियली गुड, FI इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, मतलब यू नो ऑयल एयर कूल्ड इंजन है, मतलब यहाँ पे लिक्विड कूल नहीं दिया गया है, रेस्ट ब्रेक पैड्स, यू नो लिवर्स, दिस इज़ दी बिग एग्जॉस्ट, मैं आपको अभी एग्जॉस्ट में सुनाता हूँ। तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बेसिक सा साउंड है। जो टैंक है वो है 13.5 लीटर का, यहाँ पे 3D आपको लोगो देखने को मिलता है हार्ले डेविडसन X440। फ्रेम चैसी वगैरह बहुत ही नया है एंड बहुत ही अच्छा रिजिड इसका कंट्रोल है, यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। एंड देन यहाँ पे आपको बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलता है जिसका साउंड बहुत ही बूमी और बेसी साउंड है। पीछे आपको जो 240mm के डिस्क देखने को मिलते हैं वो भी बाइब्रेके हैं, डुअल चैनल ABS है एंड रेयर में आपको देखने को मिलता है MRF जैपर के टायर, जिसमें आपको 140/70/17 सेक्शन के टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जिससे आपको पंक्चर वगैरह नहीं मिलेगा। एंड देन यहाँ पे आपको डुअल सस्पेंशन मिलता है इस तरफ और एक आपको सस्पेंशन जो है इस तरफ देखने को मिलते हैं। अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट आपको सिंगल सीट मिलता है, यहाँ पे स्प्लिट सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सॉफ्टनेस दिख रहा होगा, लेकिन आप जब बैठोगे ये थोड़ा सा हार्ड है, सस्पेंशन सॉफ्ट है जिसके कारण आपको बाइक में जर्क वगैरह उतना फील नहीं होता। ये ग्रैब रेल है और पीछे ये जो है ये आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हो हार्ले डेविडसन से खरीद के, सो दिस यू कैन परचेज ऑन एन एक्स्ट्रा एक्सेसरी। रियर में आपको ऑल LED आपको यू नो मिलते हैं एंड यहाँ पे आप जब ब्रेक वगैरह दबाते हो तो यहाँ पे आपको लाइट जला हुआ मिलता है, यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स हैं, रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट होल्डर, सारी गार्ड एज इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो ये वाला जो है आपको गैस लोडेड आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है, चेन ड्राइव, डबल स्टैंड दिया गया है, यहाँ पे आपको सिंगल साइड स्टैंड मिलता है विद ऑटो कट ऑफ, 6-speed गियरबॉक्स है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट दिया गया है, ये पैनल में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। एंड ऑफकोर्स सेकेंड यहाँ पे आपको हार्ले डेविडसन X440, यहाँ पे आपको जो है एयर ऑयल कूल्ड का यहाँ पे आपको वेंट दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो ये स्पीडोमीटर है, दिस इज़ दी एडाप्टिव स्पीडोमीटर, ये ब्लैक और वाइट में रहता है, मतलब जब डार्क हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये देखिए ब्लैक हो गया, सेंस किया इसने कि यहाँ पे शेडो है तो ब्लैक हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल गियर पोजीशन है, दिस इज़ दी इंडिकेटर पोजीशन, यहाँ पे राइट और लेफ्ट, एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, ABS है, हाई बीम लो बीम का यहाँ पे आपको दिया गया है। सो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं सब कुछ दिया गया, यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी दिया गया है जिससे आप अपना फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। क्लच जो है काफ़ी स्मूथ है, स्विचेस वगैरह बहुत ही बेटर क्वालिटी का है, मतलब यहाँ से आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं नो, एंड अगर स्पीडोमीटर का भी आप इसको डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। सो यस, आपको जिस तरीके का चाहिए उसको एडजस्ट कर लीजिए, दिस दी हॉन्क एंड दिस इज़ दी यू नो हैजर्ड बटन, यहाँ पे बोथ साइड इंडिकेटर्स जो जलते हैं, यहाँ पे SOS बटन भी दिया गया है। बटन बेसिकली दबाने से क्या होगा, आप अगर कहीं जगह पे अगर आप क्रैश वगैरह करते हैं तो उसका मैसेज उन कॉन्टैक्ट्स को चले जाएंगे जिनको आपने सिलेक्ट करके रखा है। सो बेसिकली इसका एक कनेक्ट ऐप होता है, तो उस ऐप में आपको 3 कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको मैसेज चला जाएगा अगर आप किसी यू नो इमरजेंसी सिचुएशन में हो या फिर आपको कोई फैटल एक्सीडेंट हो चुका है तो आपने ये बटन दबाया तो उनको मैसेज चला जाएगा। सो यस, ये रहा इसका सेफ्टी के पार्ट, रेस्ट अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, आई एम डेफिनेटली gonna enjoy riding this. So yes, beforehand मैं आपको बता दूँ that this motorcycle is a fun riding cruiser machine. इसको बहुत मजा आने वाला है. So yes, without any further delay, let's begin this ride review and see you on the road. This is the Harley Davidson X440. Honestly speaking, engine काफ़ी powerful है, काफ़ी torquey है, 440cc engine, जैसे कि मैंने आपको कहा 27 BHP and 36 Nm of torque. And trust me, this bike goes like एंड इट पुल्स लाइक अमेजिंग, लाइक बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को बाइक चलाते हुए। चलाते इस रोड पे जैसे मैं चलाने वाला हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट। इनिशियल जो पुल है ना, इट्स रियली अमेजिंग, लाइक पुल्स लाइक
अलग ही मज़ा, लाइक उसका जो एग्जॉस्ट नोट है दैट इज ऑफ सूदिंग लेवल। मतलब आप जब हाईवे में जब आप चलाओगे, आप जब एक्सीलरेटर दोगे, एंड दिस बाइक विल मेक यू फील दैट यू आर द किंग ऑफ काइंड ऑफ यू नो टॉर्की में, मतलब इस लेवल, इस सेगमेंट में, टॉर्क में जो आपको वो किंग लेवल फील आएगा, इट इज़ दैट डिफरेंट। सिटी में लो एंड टॉर्क बहुत बेटर लगा मुझे। आप थर्ड गियर पे भी आप उसको क्रूज कर सकते हो, थर्ड गियर से आप जब पुल करोगे इट विल पुल लाइक जुप, एंड आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे लोगों की वजह से बाइकर्स बदनाम है जब लग जाते हैं ग्रीन सिग्नल पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। एनीवे, सो दिस बाइक इज मेकिंग मी फील लाइक यू कैन गो लाइक दिस एंड लाइक दिस। हैंडलिंग बहुत अच्छा है, मैं हैंडलिंग को 9 दूंगा आउट ऑफ 10। टॉर्क, BHP एंड इंजन के रिफाइनमेंट को मैं 8.5 दूंगा। इट्स अमेजिंग, ब्रेकिंग इज़ रियली गुड। फ्रंट में आपको जो है डिस्क मिलता है, रियर में भी आपको डिस्क मिलता है, दोनों जो है ड्यूल चैनल ABS है, एंड इन दैट सिनेरियो इट रियली प्रोवाइड्स अ गुड बाइट ऑफ ब्रेक। यू नो अभी मैं कितना 100 में हूँ, 98 में हूँ, इफ़ आई ब्रेक स्लाइटली, मैं बहुत ही स्लो ब्रेकिंग कर रहा हूँ, लाइक लेट्स पैनिक ब्रेक, ओके सी हाउ फास्ट इट स्टॉप्स। एंड इसका ये जो डिस्प्ले अडेप्टिव है, ये वाइट और ब्लैक होता है डिपेंडिंग ऑन द शेड। अगर आप शेडो में चलाओ, रात को चलाओगे तो ये ब्लैक हो जाएगा ताकि आपके आँखों में ना लगे, एंड दिन में ये वाइट रहेगा ताकि आपको जो है डिस्प्ले और बेटर मिले। लेट्स वन सेकेंड पुल द मशीन। एग्जॉस्ट नोट बहुत ही सूदिंग और बेसी है। 6-speed gearbox, वेरी रिफाइंड। 120 में मुझे लिटरली मेरे हाथ में कोई बजनेस नहीं आ रहा है, हैंडल बार में, फुटपैक्स में थोड़े से आ रहे हैं, बट दैट इज़ मैनेजेबल। बट ऑनेस्टली द काइंड ऑफ फील यू विल बी गेटिंग इट ऑन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, इट्स लाइक, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको एक क्रूजर टाइप फील आ रहा है, आपको एक पावरफुल मशीन चलाने का फील आ रहा है। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड डायमेंशनल मिक्स ऑफ बोथ द मशीन्स, लाइक बोथ द क्रूजर और पावरफुल मशीन चलाने का। एंड ऑफकोर्स द रेम इटसेल्फ है हार्ले डेविडसन, तो आपको वैसा फील तो देगा ही। एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है। सीटिंग पोजिशन इज़ रियली कम्फर्टेबल, आपके पैर जो है काफ़ी अपराइट है, फुटरेस्ट से ऊपर है थोड़े से, मतलब आपका जो एंगल है ये वो काफ़ी रिलैक्स पोजिशन में, तो आप इसको आराम, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चेयर पर बैठा हूँ और मैं किसी एक हैंडल बार को पकड़ के मैं रोड में घूम रहा हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट एनी यू नो शुगर कोटिंग एनीथिंग, the feeling of riding this motorcycle on highway is really amazing. I believe it's a cruiser and tourer kind of machine jo highway pe tour kar sakte hain, not for off roading and all. You have also got a USB port jisse aap apne phone wagera ko charge kar sakte hain. Main abhi clutch adjust kar raha tha to isliye ye is tarike se nahi to covered rehta hai, lock kar diya. Mirrors are that round shape mirrors, it shows you a decent amount of rear view. Tank is good, it have got a good support. इसका माइलेज की अगर बात करें तो यू नो इट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग, दी वे यू विल बी राइडिंग, आपको उस तरीके का आपको माइलेज मिलेगा। रेस्ट सीट, अगर मैं सीट की बात करूँ तो इट्स क्वाइट हार्ड, मतलब सीट मुझे काफ़ी हार्ड फील हुआ। नो डाउट मे बी दिखने में या फील करने में सॉफ्ट फील हो, बट दिस सीट इज़ हार्ड। सस्पेंशन इज़ डिसेंट, पीछे का जो सस्पेंशन है वो मुझे अच्छा लगा। एंड अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो इट ऑल्सो रियली हैंडल्स द मैनूवरिंग, एंड ये जो गड्ढे वगैरह जो रोड से पास ऑन हो रही है, जो बार्स जो पास ऑन हो रहे हैं, वो आपको थोड़े बहुत फील होंगे, बट इट इज़ मैनेजेबल। नाउ लेट्स सी हाउ फार इट कैन गो। So I believe it can go till 140 easily. Look at the braking. मैं चाहूँ तो मैं इधर ही stop कर सकता था. Literally, braking ने तो मेरे को इसका बहुत ही दीवाना कर दिया है. Braking is really amazing. And I don't understand why people who they wanna go straight, वो लोग center में खड़े हो जाते हैं.
चलो इसका और एक ट्राई करते हैं। 7000 आरपीएम पे ये कट कर दे रहा है। ये 140-142 के आसपास जा सकता है। एंड यहाँ पे आप देखो, क्योंकि मैंने फर्स्ट गियर से ही मैंने पिकअप देना चालू कर दिया था, तो ये स्ट्रेट हो रहे हैं स्टिल, जैसे 146 गया, अभी ये थोड़ा स्लोपिंग हो गया, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट इट विल क्रॉस 150, यस ऑलमोस्ट 151। सो दिस इज दिस कंडीशन कि इसका जो स्पीड है 147-146 आप जा सकते हो फॉर अ यू नो 440cc मशीन जिसका BHP 2700, 147-146 के आसपास जा रहा है, नॉट बैड। आई वुड से ये बाइक टॉप स्पीड या हाई स्पीड पर चलाने के लिए नहीं बना है, ये बाइक आपके लिए बना है कि आप यू नो हाईवे पर चला रहे हो, आराम से आप इसको क्रूज़ कर रहे हो, एंड यू नो यू आर गेटिंग अ गुड लो एंड टॉर्क इन द सिटी एंड ऑन द हाईवे, विच हेल्प्स यू टू ओवरटेक एंड गिव यू कॉन्फिडेंस वाइल ओवरटेकिंग। और हैंडलिंग अमेजिंग, हैंडलिंग लहरा के आप चला सकते हो उस मोटरसाइकिल को। बहुत ही स्मूथ क्लच है, गियर शिफ्टिंग भी बहुत इजी है, इंजन इज आई डोंट नीड टू से एनीथिंग मोर। सो ये आई मीन लाइक ये जो लोग हाईवे पे ज़्यादा क्रूज करने वाले हैं या फिर उनको क्रूजर मोटरसाइकिल पसंद है, दैट बेसिक साउंड पसंद है उनको, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस। बहुत ही स्मूथ इंजन है, रिफाइंड इंजन, सीटिंग पोजीशन इज रियली गुड, सस्पेंशन इज गुड, ब्रेकिंग इज रियली अमेजिंग। 10 out of 10 मैं उसको हैंडलिंग में दूंगा, आई जस्ट लव द हैंडलिंग। ये पहाड़ों में मैं एक दिन कभी ले जाकर आपको दूसरा रिव्यू करके दूंगा कि पहाड़ों में कैसा परफॉर्म करता है, बट आई बिलीव जो हाईवे में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पहाड़ों में भी करना चाहिए। एंड yeah, I mean like that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kuch bhi acha laga, press the like button, comment down your comments and share this video with your rider friends and buddies jo ye lene ke liye soch rahe hain. Thank you so much. See you in the next video.